हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अनदर सेशन ऑफ हिस्ट्री आज हम हिस्ट्री का लास्ट पार्ट करने वाले हैं विच इज मॉडर्न हिस्ट्री इससे पहले हमने एंशंट एंड मेडिबल कंप्लीट कर लिया है लेट्स बेगेना सेशन सो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट होती है जब यूरोपियंस इंडिया में आए होते हैं ठीक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया इन ए डी सेवनटीन्थ एंड एटीन सेंचुरी इंडिया बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैनी यूरोपियन नेशंस हु were इंस्पायर्ड by द न्यू spirit ऑफ़ एडवेंचर एंड डिस्कवरी AD 17th or और century सेंचुरी के आसपास, इंडिया एक सेंटर ऑफ एट्रैक्शन बन चुका था बहुत सारे यूरोपियन नेशंस के लिए और यहाँ पे लोग एडवेंचर एंड डिस्कवरी के लिए आया करते थे सबसे पहले अगर बात करें तो पॉर्ट्रुगल्स आए थे और उन्हीं की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म हुई थी ए डी में बास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू तो रीच इंडिया ये या आपको याद रखना ये एज़ ए सुपर लेटिव भी आता है कि वास्को डिगामा जो था ये पहला यूरोपियन था जो इंडिया में आया था इन 1498 और वास्को डिगामा कौन से रूट से आया था वास्को डिगामा इंडिया में आया था डायरेक्ट सी रूट से यूरोप टू इंडिया उसके बाद से देखा जाए तो अल्मा आता है जो पोर्टुगीज था ये आता है तो इसने कोचिन में और मेनोर में फोर्ट भी बिल्ड किया था सो एज़ अ ट्रैवलर सबसे पहले वास्को डिगामा आया था एंड एज अ गवर्नर ऑफ पॉर्चीज़ सबसे पहले अलमेदा आया था ये कब आया था 1505 में ठीक है और इसी ने आने के बाद इंट्रोड्यूस की थी ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहले इन्हीं लोगों ने इस्टेब्लिश किया था ट्रेडिंग वगैरह ट्रेड सेटलमेंट कलकत्ता में कोचिन में कन्नूर में कोचिन जो था ये पहले इनका कैपिटल हुआ करता था, था पॉर्टुगीज जब रहते थे इंडिया में लेटर इन लोगों ने गोवा को अपना कैपिटल बनाया पॉर्टगीज ने बहुत सारे सेटलमेंट इस्टेब्लिश किए अपने जो सी वाले एरिया थे उधर के पास जैसे दीव दमन बॉम्बे ये सारे वेस्ट कोस्ट के पास अगर आप देखोगे तो फिर इधर बंगाल में हुगली साइड मद्रास यहाँ पे इन लोगों ने अपने सेटलमेंट क्रिएट किए थे पॉर्टुगीज के बाद देखा जाए तो फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ये आना स्टार्ट होते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ए डी सिक्स हंड्रेड के अराउंड आती है इन ए डी सिक्स हंड्रेड एंड एट कैप्टन विलियम हॉकन्स विजिट्स जहांगीर कोर्ट टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज इन ट्रेड जहांगीर के कोर्ट में आते हैं एंड रॉयल पैट्रोनेज मांगते हैं ये ठीक है ट्रेड करने का परमिशन एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अगर देखा जाए तो ये लंडन में फाउंड हुई थी बाय मर्चेंट्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और वो इंडिया में आए थे ट्रेड स्टार्ट करने और लंदन में इट वाज चार्टेड इन डिसम्बर सिक्सटीन हंड्रेड और क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने इनको ग्रांट कर दिया था फॉर मोनोपली ऑफ फॉर ईस्टर्न ट्रेड ओके तो जहांगीर ने इसको परमिशन तो दे दी उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारी जगह अपना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया उनके एम्पायर में ग्रेजुअली इन लोगों ने आगरा में अहमदाबाद वड़ोदरा बॉम्बे सूरत मद्रास और बहुत सारे अलग अलग पार्ट में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बना दी उसके बाद बॉम्बे में आइलैंड जो था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से और उसके बाद वहाँ पे इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर दिया ठीक है वो एरिया एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया जो इनकी फ़र्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी सिक्सटीन में ठीक है फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सूरत में ओपन हुई थी सिक्सटीन या सिक्सटीन में एंड सब्सिक्वेंटली द फोर्ट विलियम इन सेवेंटीज़ इन कोलकाता फोर्ट विलियम अभी भी है कोलकाता में सो ईस्ट इंडिया ने बनाया था ठीक है अगला आते हैं हम डच पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एडी 602 के अराउंड आई थी अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डच पार्लियामेंट की तरफ से बना था ये जो इनका मेन सेंटर था पुलकट ये इनका मेन सेंटर था 1690s तक इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत सारी जगह अपनी फैक्ट्रीज सेटअप की थी जैसे मसूली पटनम सूरत में पटना में कोचिन में कारीकला में इन्होंने भी काफ़ी जगह अपनी फैक्ट्रीज सेटअप की थी ठीक है मेन इनका यही था लेकिन डच वर्ड डिफीटेड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स इन द बैटल ऑफ बीडारा इन 1759 फिर हम देखते हैं कि एटीन सेंचुरी के आसपास डच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पावर के लिए या प्लेस के लिए फ़ाइट होने लगी और बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया कौन से बैटल में बैटल ऑफ बेदारा उसके बाद डच की जो पावर्स होती है वो इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है और फाइनली वो क्लेप्स कर जाते हैं साथ में दैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती है तो काफ़ी लोग इंडिया में आए रूल करने के लिए ठीक है हम यही देख रहे हैं इन्होंने अपना जो फर्स्ट फैक्ट्री था वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करा और इनकी सेटलमेंट्स जो थी वो बंगाल में भी इन्होंने कुछ कुछ इस्टेबलिशमेंट्स की थी इनका कुछ मेजर ऐसा नहीं है सबसे ज़्यादा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है ठीक है तो आगे भी हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे फ्रेंच भी आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये ए डी सिक्सटीन सिक्सटी में आते हैं इट वॉज़ फाउंड बाई काबर्ट सो सिक्सटीन में काबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी सबसे पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो भी सूरत में लगी थी सेकेंड मसूली पटनम में लगी थी और बंगाल में भी इन्होंने अपनी कुछ कुछ फैक्ट्री लगाई तो आप मेजर प्लेस देख रहे हो सबसे पहले बंगाल अगर हर जगह बंगाल आ रहा है सूरत आ रहा है मसूलीप्टनम सो ये कुछ मेजर एरियाज थे जहाँ पे वो फैक्ट्रीज सेटअप करते थे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में फिर झगड़ा होता है इन सेवेंटी सिक्सटीज़ के अराउंड ठीक है ब्रिटिश फिर से हरा देती है फ्रेंच को दो फ्रेंच गवर्नर होते हैं लेनोर एंड डोमास ये अराउंड ट्वेंटी से फोर्टी टू के बीच में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को काफी ग्रो करते हैं ठीक है तो सबसे पहले पोर्चुगीज देन इंग्लिश देन डच डेनिश एंड लास्ट में आप देखते हैं फ्रेंच आगे हम देखेंगे यूरोपियन कॉमर्स इंडिया हैड मेंटेन इट्स ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन मर्चेंट्स इवन ड्यूरिंग अर्लियर सेंचुरीज हम बहुत ही पहले के सेंचुरी से देखते हैं कि इंडिया का एक ट्रेड जो है ट्रेड रिलेशन चलता आ रहा है बाकी फॉरेन मर्चेंट्स के साथ ठीक है बट दे वॉज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द फॉरन मर्चेंट हु हैड अर्लियर सेटल इन एंड कंडक्टेड ब्रिस्क ट्रेड फ्राम इंडिया एंड द यूरोपियन हु केम इन इंडिया इन सिक्सटी एंड सेवनटीन सेंचुरी पर बहुत डिफरेंस है जो यूरोपियन इंडिया में आए थे और जो इंडिया पहले ट्रेड करता था मर्चेंट्स के साथ उसमें हम बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंस देख रहे हैं उसी के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे कि पहले ट्रेड करने आए थे दिन धीरे धीरे उन्होंने लैंड पे कब्जा किया अपने फोर्टिफिकेशन करने लगे ट्रेड की राइट्स में ले ली किंग्स से उसके बाद किंग्स की राइट्स छीनने लगे तो ये जो देखते हैं ये डिफरेंस रहता है ट्रेड करने आए थे और वो इंडिया पर कब्ज़ा करने लगे तो ये एक मेजर डिफरेंस है नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच थे उनके बीच में पावर की स्ट्रगल्स हो रही थी साउथ इंडिया में और हमने देखा कि इंग्लिश जो थी यहाँ पे एंजेलो बोलते हैं एंजेलो फ्रेंच वॉर तो उन्होंने बाद में फ्रेंच को हरा दिया था इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द फ्रेंच पावर इन इंडिया रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स तो ड्यूप्लेक्स आया था तब फ्रेंच पावर काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई थी पर जब वो जाने लगा तो फ्रेंच थे अपना वो ग्राउंड लूज करने लगे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज़्यादा डोमिनंट होने लगी इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में तीन बार वॉर हुई थी ठीक है उन्हें कार्नेटिक वॉर बोलते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर ये वॉर क्यों हुई थी बिकॉज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन या राइज एंड फॉल जो हो रहा था तो उन लोगों के बीच में एक राइवलरी हो गई थी ठीक है बिकॉज दोनों जो काम कर रहे थे वो सेम ही थे दोनों ट्रेड के लिए आए थे दोनों को लैंड चाहिए था इसमें कुछ इंडियन किंग्स भी इन्वॉल्व हो गए थे जैसे जो अगर आप फ्रेंच को सपोर्ट करें तो आप फ्रेंच के लिए जाओगे अगर आप ब्रिटिश को सपोर्ट करो तो आप ब्रिटिश के लिए जा रहे हो सो so, ऐसा भी हमें दिखता है कि कुछ इंडियन जो नवाब्स थे वो भी इस वॉर्स में इन्वॉल्व हो गए थे नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल तो बंगाल में उन्होंने कैसे ऑक्यूपाई किया इन बंगाल द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज इस्टैब्लिश एट हुगली इन ईयर 1651 तो 1651 में हुगली में इंग्लिश फैक्ट्री सबसे पहली इस्टेब्लिश हुई थी द परमिशन फ़ॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री वाज गिवन बाय मुग़ल सुल्तान सूजा सेकेंड सन ऑफ एम्परर शाहजहाँ ठीक है तो सूजा जो किंग थे मुगल सुल्तान उन्होंने परमिशन दी थी कि ओके आप जाके अपनी फैक्ट्री इस्टब्लिश कर लीजिए और शूजा कौन थे वो थे शाहजहाँ के बेटे एंड सूबेदार ऑफ बंगाल सो so, फैक्ट्री इस्टाब्लिश करने के लिए उनको ज़मीन चाहिए तो जो इंग्लिश थे वो सूबेदार जो थे उनसे ज़मीन लेते थे और ज़मींदार जो थे उन लोगों से इन्होंने लैंड लिया उसके बाद वहाँ के जो एम्परर्स थे उससे इन्होंने ट्रेडिंग प्रिवलेज भी लिए और बाद में हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्रिटिश हैं वो उस ट्रेडिंग पावर का मिस करते हैं और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ़ बेंगालस इसके बाद जो मेजर इवेंट होता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स स्वे ओवर इंडिया मे बी ट्रेस टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 सो बैटल ऑफ़ प्लासी कब हुई ये याद रखना है 1757 फिफ्टी सेवन so, सो यहाँ से हमें दिखता है कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स कैसे कर रहे थे इंडिया में ठीक है इट वॉज द मोस्ट डिसाइसिव वॉर दैट मार्क द इनिशिएशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट टू सेंचुरी ये एक डिसाइसिव वॉर था एंड इसी की वजह से यहीं पे ब्रिटिश जीतते हैं और फिर वो रूल करना स्टार्ट करते हैं और रूल कब तक करते हैं नेक्स्ट दो सेंचुरी तक ब्रिटिश रूल करती है इंडिया पर आगे क्या होता है देखते हैं द बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ़ बंगाल एंड हज़ फ्रेंचाइज़ सर नवाब ऑफ बंगॉल जो थे और उनकी कुछ फ्रेंचाइज मतलब जो उनके एलाइज़ या हेल्प करने के लिए फ़्रेंड्स हो गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वॉर हुई थी और जिसका नाम रखा था बैटल ऑफ पलासी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीट सिराजुदौला द नवाब ऑफ बंगाल तो क्या देखने के लिए मिलता है हमें जो ब्रिटिश या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन किसके अंडर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर वो डिफ़ीट कर देती हैं नवाब ऑफ बंगाल को और किसके साथ वॉर हो रही थी सराजो दौला ठीक है आफ्टर द कोलेप्स ऑफ बंगाल कंपनी गेन ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम द बंगाल ट्रेजरी नवाब को इन्होंने डिफीट कर दिया तो बंगाल एक तरीके से कोलेप्स हो जाता है कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास वेल्थ आ जाता है और बंगाल का जो ट्रेजर होता है वो उनके पास आ जाता है वो ट्रेजर का किस तरीके से यूज करते हैं यूज इट टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री फोर्स वो अपने मिलिट्री फोर्स को और भी ताकतवर बनाने के लिए बंगाल की ट्रेजर का एंड वेल्थ का यूज करते हैं उसके बाद से फिर आता है ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल देखो ये सी रूट से आते थे एंड बंगाल बहुत ही उधर क्लोज पड़ता था तो जो भी ज़्यादा चेंजेस या अर्ली इस टाइम में जो इन लोगों ने किया है वो सब कुछ बंगाल में ही हुआ था ठीक है फिर यहाँ पे बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक इन्होंने डोएल्थ सिस्टम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया अब ये डवेल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इस सिस्टम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एक कंपनी के पास रहेगा और एक नवाब के पास पर इसमें हो क्या रहा था एक्चुअल में सारी पावर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी ठीक है द कम्पलेक्स सिस्टम रिमेन इन द प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम सेवनटीन टू सेवनटीन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था और इसको अराउंड सात सालों तक प्रैक्टिस में लिया गया इस सिस्टम के अंदर होता क्या था तो इस सिस्टम के अंदर क्लाइव जो था रॉबर्ट क्लाइव उसने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप दीवान कलेक्ट करो टैक्स एक तरीके का और जो टैक्स जो होगा वो इंडियंस कलेक्ट करेंगे ठीक है उसके लिए दो डिप्टी दीवान्स भी उन्होंने लगा दिए थे और वो थे मोहम्मद राजा खान फ्रॉम बंगाल एंड राजा सिबित रॉय फ्रॉम बिहार और नेक्स्ट एक फंक्शन थी निज़ामत फंक्शन जिसमें पुलिस एंड जुडिशियल होते थे वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश को अपॉइंट कर दिया था और जो डिप्टी नजीम थे या निज़ामत उनको ना हटाया नहीं जा सकता था जब तक हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अप्रूवल ना ले तो बिना उनकी कंसेंट के ये हट नहीं सकता और जो निज़ामत फंक्शन है उसको अपॉइंट करने के लिए उन्होंने इंडियन को ही रख दिया तो बेसिकली सारा काम इंडियन कर रहे थे ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सबिलिटी और जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंडियन जो एजेंसीज थे या इंडियन लोग थे वही कर रहे थे पर पावर किसके पास आ गई कंपनी के पास आ गई तो यहाँ पे देखिए दो लोग जो थे इनको क्लाइव ने क्या कर दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी एज अ डिप्टी दिवान ये सिस्टम कंपनी के लिए काफ़ी एडवांटेजियस था और इनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी 1772 में वॉरेंट हास्टिंग ने इसको एंड किया अगला हम आते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइसोर स्टेट मायसोर वॉज द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर मायसोर एक विजयनगर नगर एम्पायर का पार्ट था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1565 हमने पढ़ा था विजयनगर नगर एम्पायर के बारे में मेडिवल हिस्ट्री में तो जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो वोडिया डेनेस्टी फाउंड हुई और वहाँ पे रूल करने लगी टू ब्रदर्स देवराज नाजा राज रियल पावर इन द स्टेट्स एंड बिकम डिफेक्टिव रूलर उसके बाद 1761 में हैदर अली आता है और इन दोनों को ओवर रूल करके ओवर थ्रो करके अपना रूल इस्टेब्लिश करता है ठीक है ये अभी हम माइसोर की बात कर रहे हैं अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माइसोर चाहिए था तो उनकी वॉर होने लगी हैदर अली से तो यहाँ पे चार बार वॉर होता है फर्स्ट एंजलो माइसोर वॉर सेकेंड एंजलो माइसोर वॉर थर्ड एंजलो माइसोर वॉर एंड फोर्थ एंजलो माइसोर वॉर यहाँ पे ईयर भी लिखा है कब कब होता है सबके बारे में ब्रीफली बता देती हूँ जो पहला एंजलो माइसोर वॉर था उस टाइम क्या हो रहा था हैदर अली बहुत ही राइस कर रहा था ठीक है और ब्रिटिश पावर जो थी वो उसको एज अ डेंजर देख रही थी हैदर अली का एक एम्बिशन था कि वो ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाले उसके बाद जब ब्रिटिश को रियलाइज़ होता है कि उसके लिए थ्रेट है तो वो एक अलायंस बनाती है वो किसी तरीके से ये जो अलायंस होता है उसको ब्रेक कर देता है ही प्ले डिप्लोमेटिक गेम्स ब्रिटिश के अलायंस में नजीम्स और मराठास थे और उसको ट्रिपैटिक अलायंस बोला जाता था एंड नजीम्स को जो होते हैं उनको बोलता है कि तुम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल गेन कर लेना मेरे साथ आ जाओ पहले ब्रिटिश पे हम अटैक करते हैं सो so जो सबसे पहली वॉर होती है ठीक है ये अभी हम फर्स्ट वॉर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली वॉर जब होती है तो हैदर अली बहुत ही शानदार तरीके से जीतता है उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है एंड सेकेंड वॉर जो 1780 एटी एडी में होता है ये किस वजह से होता है दोनों में बहुत ही म्यूचुअल डिस्ट्रेस हो जाता है जो इंग्लिश होते हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम इनके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं बिकॉज़ हैदर अली ने 1771 में मराठास पर भी अटैक किया था सो so, इंग्लिश के साथ इनकी ट्रीटी फॉर्म नहीं होती है देन हैदर अली नोटिस करते हैं कि फ्रेंच जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है उनकी मिलिट्री डिमांड्स को पूरा करने के लिए सो so, वो इंग्लिश चढ़ के फ्रेंच के पास जाते हैं और उनके साथ क्लोज अलायंस बनाते हैं उसके बाद जो इंग्लिश होते हैं वो अटैम्प्ट करते हैं कि माहे को कैप्चर कर ले माहे क्या है एक फ्रेंच का पोर्ट था जो मलाबार कोस्ट पे था हैदर अली कंसिडर करता है कि वो उसके प्रोटेक्शन के अंडर है एंड डायरेक्टली एज अ चैलेंज देखता है कि वह हैदर अली को चैलेंज कर रहे क्योंकि हैदर अली का अलायंस किसके साथ था फ्रेंच के साथ था सो so ये रीज़न होता है सेकेंड जो वॉर होता है उसका थर्ड क्यों होता है मैसूर की पावर बहुत ही ग्रो करती है यहाँ पर अभी टीपू सुल्तान भी आ जाता है और एक बहुत ही अच्छे पोजिशन पर रहता है एंड टीपू सुल्तान के सक्सेस से और भी उनकी पोजिशन बहुत ही स्ट्रांग होती है इंटरनली बहुत ही सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे ब्रिटिश मराठा और नजीम्स के द्वारा ठीक है लॉर्ड कॉर्नाविलीज यहाँ पे आते हैं देन जो लॉर्ड कॉर्नावलीस होते हैं वो आते हैं दोबारा एक अलायंस फॉर्म करते हैं मराठा और नजीम्स के साथ इन एडी डी नाइनटीन और वो टीपू के अगेंस्ट वॉर करते हैं सो so, यहाँ पे टीपू सुल्तान थर्ड वॉर में काफ़ी बुरी तरीके से हारा होता है तो फोर्थ रीज़न यही होता है कि टीपू सुल्तान जो होता है अपनी ह्यूमिलेशन को एवेंच करना चाहता है और चाहता था कि डिफ़ीट करें उनको ठीक है तो वो बहुत सारे फोर्टिफिकेशन करने लगता है इन्फेंट्रीज़ बनाता है काफ़ी लोगों को रिक्रूट करता है उसके बाद वॉर होती है तो लॉर्ड बीजली जो होता है टीपू सुल्तान को अटैक करता है और टीपू सुल्तान फोर्थ वॉर में उसकी डेथ हो जाती है सो यहाँ तक था मैसूर का ओके नेक्स्ट इज़ मराठा अपार्ट फ्रॉम दे टेरिटोरियल एम्बेशन द मेजर रीज़न ऑफ ब्रिटिश इंटरवेंशन इन मराठा स्टेट प्राइमरी कमर्शियल एक तो ब्रिटिश का हम देखते हैं कि उनकी एम्बेशन ऐसे रहती कि उनको टेरिटोरी पे मतलब लैंड पे कब्जा करना है लेकिन यहाँ पे एक और रीज़न था मराठा में इंटरवेंशन करने का एक कमर्शियल रीज़न था ठीक है तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में भी वॉर होती है पहली वॉर होती है ईयर 1775 में और 17 एटी में एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की जाती है नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वॉर भी होती है सेकेंड वॉर होती है एटीन ज़ीरो थ्री में ठीक है और इसका कॉन्सिक्वेंस होता है वो है. Now, ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करते हैं ना इट्स वेरी लेंदी कि ट्रीटी ऑफ बेसिन क्या होता है ट्रीटी ऑफ सूरत क्या होता है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ ठीक है नेक्स्ट जो थर्ड वॉर होती है वो एटीन सेवेंटीन में होती है ठीक है इस टाइम वो एनेक्सेशन ऑफ पुना करते हैं मतलब पुणे पे कब्ज़ा कर लेते हैं देन उसके बाद सिख का हम देखेंगे आफ्टर द डिफ़ीट ऑफ बंगाल मैसूर एंड मराठास बंगाल में भी उन्होंने डिफ़ीट किया मैसूर में भी डिफीट करके कब्ज़ा कर लिया मराठा में भी पुणे पे कब्ज़ा कर लिया अब मेजर इंडिया पावर जो रहता है वो क्या रहता था पंजाब वही एक इंडिपेंडेंट था उस टाइम और वो राजा रंजीत सिंह के अंडर था हु पावर इन सेवनटीन नाइनटी टू ए डी तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सेवनटीन नाइनटी टू ए डी में पावर में आए ही ऑर्गेनाइज एन अलायंस ऑफ सिख मिसल्स वेस्ट ऑफ सतुलज इन सेवनटीन नाइन्टी एट एंड वॉज सक्सेसफुल इन रिपेलिंग द इनवेशन ऑफ अफगान रूलर जमान शाह वो एक अपनी एक अलाइंस फॉर्म करते हैं और अफगान रूलर्स जो होते हैं जो उन पर इन्वेजन कर रहे होते हैं उनसे बचते हैं और उसमें सक्सेसफुल रहते हैं अब अंग्रेज़ों और सिख के बीच में भी वॉर होती है ठीक है पहली वॉर कब होती है ए डी में और तब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया जाता है सेकेंड वॉर होती है ए डी एंड 49 के बीच में तब ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं सो so, आप आगे से देखो धीरे 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 कैसे कब्ज़ा हो रहा है पूरे इंडिया में सो so, ट्रेड करने आए किंग से उन्होंने परमिशन ली किंग ने परमिशन दे दी थोड़े अपने फोर्टिफिकेशन किए ट्रेड राइट्स ले लिए उसके बाद अपने राइट्स लगाने लगे कि हम ये एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे उसके बाद बंगाल में कब्ज़ा कर लिया फिर मैसूर में जाते हैं वहाँ पे ध्यान लगता है मैसूर में कब्ज़ा कर लेते हैं चार वॉर होती है वहाँ पे फिर मराठा एम्पायर में जाते हैं फिर वहाँ पे भी तीन वॉर लड़ते हैं फिर वहाँ कब्जा कर लेते हैं देन सिख के उधर जाते हैं पंजाब में भी कब्जा कर लेते हैं सो धीरे 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 ऐसे ही करके पूरे इंडिया में इनका ऑलमोस्ट कब्जा हो जाता है और अभी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही डीप में पढ़ोगे ना तो आप देखोगे नॉट ओनली इंडिया नेपाल के साथ भी अंग्रेजों के अच्छे रिलेशन नहीं थे वहाँ से भी उनके वॉर हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे अफगान के साथ भी हो रहे थे बर्मा जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है वहाँ पे भी इनके कॉन्फ्लिक्स हो रहे थे सो so, अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उनको हम स्किप कर रहे हैं बट दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री दैट्स आई एम टेलिंग यू अगला हम आते हैं गवर्नर जनरल पे तो अगर आप बंगाल के देखोगे तो बहुत सारे गवर्नर जनरल हैं और ये सारे इंडिया के गवर्नर जनरल के अंदर भी आते हैं तो सबसे पहले वॉरन हेस्टिंग वॉरन हेस्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का इसने रेगुलेटिंग एक्ट लगाया था इसने अबॉलिश किया था डेल्थ सिस्टम को हमने पढ़ा ना डुअल सिस्टम को इसने अबॉलिश किया था सेवनटीन सेवेंटी टू में और उसके बाद इसी ने बंगाल को डिवाइड किया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे इसने कलेक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था किसके साथ मिलकर विलियम जोन्स के साथ और इसी ने जो भागवत गीता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था चार्ल्स विल्किन के साथ मिलके ठीक है सो so ये था वॉरेन हेस्टिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीजें की थी इसने सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट भी बनाया था कोलकाता में फिर हिंदू और मुस्लिम लॉ को इसने रिडिफाइन किया था ट्रांसलेट किया था संस्कृत में जो भी लिखा था और कोड ऑफ जेंटोस लॉ बोला गया था इसको उसके बाद लॉर्ड कॉर्नेवलिस जो सेवनटीन एटी सिक्स से सेवनटीन नाइनटी थ्री तक रहते हैं सो so, ये फ़र्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कोडिफाई किया था लॉ को ये कोड्स जो थे वो सेपरेट करते थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्होंने इज्जत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल भी स्टार्ट की थी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट भी स्टार्ट किया था और फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी बोला जाता है इनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सुपरलेटिव इट कैन बी आस्ट द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कौन है लॉर्ड कॉर्नावेलस उसके बाद है सर जॉन शोर सेवनटीन नाइन्टी थ्री टू सेवनटीन नाइन्टी एट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है परमानेंट सेटलमेंट को प्लान करने में इन्होंने फर्स्ट चार्टर एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया था ये फेमस है अपनी पॉलिसी के लिए इनकी पॉलिसी कौन सी थी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी उसके बाद आते लॉर्ड वीजली 1798 से 803 तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस और मराठास प्रेसिडेंसी जो थी इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे फॉर्म हुई थी फोर्थ एंजलो मायसूर वॉर में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था ठीक कि है फ़र्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी जो थी वो नजीम्स ऑफ हैदराबाद के साथ इन्होंने की थी और फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो इन्होंने ही सेटअप करवाया था नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो जो 805 टू तो 807 तक रहे हैं सो so ये वेल्लोर म्यूटने के टाइम थे कब हुआ था ये सोल्जर्स की तरफ से किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ठीक है 1806 में ठीक है और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि आ, इंडियन सोल्जर्स जो है उन्होंने रेबल किया है अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये इनके टाइम पे हुआ था और ये सेकेंड एंजलो मराठा वॉर में थे नेक्स्ट इज लॉर्ड मिन्टो वन ये 1807 से 1813 तक रहे हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह इन्होंने करवाई थी एंड चार्टर एक्ट जो था वो भी इन्होंने करवाया था नेक्स्ट इज लॉर्ड हेस्टिंग ये 1813 से 23 तक रहे तो ऑलमोस्ट 10 साल रहे हैं इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर ऊपर हम देखते हैं सर जॉन शोर बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पर ये इन्होंने क्या बोला पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड वॉर अगले हैं लॉर्ड आर्महेस्ट तो ये फर्स्ट जब बुरमिज़ वॉर हुआ था मतलब म्यांमार के साथ तो वो वहाँ थे बैरकपुर में जब म्यूटनी हुई थी म्यूटनी मतलब होता है सोल्जर्स जब रेबेलियन करते हैं तो उसको म्यूटनी बोलते हैं सो बैरकपुर बंगाल में एक जगह है तो वहाँ पे म्यूटनी हुई थी तब ये वहाँ पे प्रेजेंट थे और इन्होंने भरतपुर को कैप्चर किया था तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं आप देख सकते हो सारे गवर्नर जनरल्स की फ़ोटो है नेक्स्ट है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया इंडिया का अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटेक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के ये सबसे ज़्यादा लिबरल गवर्नर जनरल माने जाते थे इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करा था एंड ठगी जो थी सप्रेशन ऑफ ठगी वो भी की थी इन्होंने उसके बाद इन्होंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन करवाए थे पहला मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में ओपन हुआ था वो इन्होंने करवाया था देन ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं रंजीत सिंह के साथ इन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई थी कॉलेज में ठीक है तो इन्हें काफ़ी सारा काम किया था नेक्स्ट इज़ सर चार्ल्स मेटकाफ ये 1835 से 1836 तक एक साल के लिए रहे हैं इन्होंने एक ही लॉ पास करा था और वो काफ़ी फेमस रहे इन्होंने प्रेस लॉ पास किया था इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है ठीक है ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ़ प्रेस लिख लो साइड में जहाँ पे भी नोट में लिख रहे हो नेक्स्ट इज़ लॉर्ड ऑकलैंड जो 1836 से 42 तक रहे हैं ये फर्स्ट अफ़गान वॉर में थे सबसे पहले जब अफ़ग़ान वॉर हुई थी तब ये वहाँ थे ठीक है नेक्स्ट लॉर्ड एलनबर्ग 1842 से 44 तक रहे हैं ही बॉट एन एंड टू द अफगान वॉर इन 1842 फोटी टू एंड अबॉलिश स्लेवरी नेक्स्ट है लॉर्ड दलहौजी एटीन फोर्टी एट से लेके फिफ्टी सिक्स तक ये सेकेंड एंजलो सिख वॉर में रहे हैं और इन्होंने ही पंजाब पे कब्जा करा था एबॉलिश टाइटल्स एंड पेंशन उसके बाद इन्होंने विडो मैरिज एक्ट लाया उसके बाद इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टरीन्स ऑफ लैब्स ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन जो वो यही है ठीक है हु इंट्रोड्यूस डॉक्टरिन ऑफ लैप तो आप बोलोगे लॉर्ड डिलहौजी इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे करवाया था इंडिया में टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ठीक है सो इतने रहे है, India, हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब आते हैं वॉइस रॉयस ऑफ इंडिया पे सो बहुत सारे वॉइस रॉय हैं ठीक है 1858 से लेके 1947 तक आपको सारे याद नहीं करने हैं फर्स्ट याद रख लो लास्ट याद रख लो और कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ मेजर काम करवाया हो या कुछ मेजर चेंज लाया हो तो वो आपको याद रखना होगा मैंने अभी सबके नाम लिखे हैं मैं इनके बारे में बताऊंगी आपको कि इन्होंने क्या, क्या क्या करवाया है तो आप उसको भी नोट डाउन कर लो ठीक है सबसे पहले कौन से लॉर्ड कैनिंग जो ए डी से लेके सिक्सटी तक रहे हैं ठीक है ये लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे एंड ये फर्स्ट वॉइस रॉय हैं इन्होंने डॉक्टरिन ऑफ लैब्स को विड्रॉ करवाया था सो so दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन्होंने ट्रांसफ़र किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल क्राउन को क्राउन को क्वीन एलिजाबेथ उनको ट्रांसफ़र कर दिया था एंड इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लाया था ओके okay, नेक्स्ट है लॉर्ड एलिंग इनके टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो है सप्रेशन ऑफ वाहिम्बी मूवमेंट जो फिनेटिक मुस्लिम्स के द्वारा किया गया था नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस इन्होंने क्रिएट किया था इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये भूटान वॉर में रहे हैं इन्होंने हाई कोर्ट्स का सेटअप करवाया था कोलकाता बॉम्बे और मद्रास जैसी जगह पे और इन्होंने ही टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो था वो ओपन किया था नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मायो इन्होंने राजकोट में कॉलेज खुलवाए थे और अजमेर में भी कॉलेज खुलवाए थे फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस तो इंडियन प्रिंस जो होते थे उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवाते थे ये अपने कॉलेज में इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी बनाया था इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो स्टार्ट करा था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है जैसे आप देखोगे कुछ मेजर स्टेट्स थे पहले वहीं पे लोग जाते थे क्योंकि वहीं पे ज़्यादा सामान या वहीं पे ज़्यादा चीज़ें उनको मिलेगी पता है यहीं से हमारे यहाँ पे जाकर अगर हम कुछ इस्टेब्लिश करेंगे तो फ़ायदा होगा तो वो एक फाइनेंशियल स्टेट या फाइनेंशियल पावर रहता था तो उसको डिसेंट्रलाइज करना इन्होंने स्टार्ट किया था नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक इनके टाइम पे कुछ मेजर नहीं हुआ था बस ये कुका रिवॉल्ट में थे जब पंजाब में कुका रिवॉल्ट चल रहा था एंड लास्ट में जब अफगान के साथ कुछ हो रहा था तब इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था नेक्स्ट इज लॉर्ड लेल्टन इन्होंने पास करा था अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ठीक है 1876 में ये आए और 1878 में इन्होंने पास करा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर आप देखेंगे काफ़ी जगह जो ब्रिटिश आए थे तो वहाँ पे फेमे हो गया था तो मद्रास में बॉम्बे में मैसूर में सो ऐसी जगह पे इन्होंने फेमे कमीशन अपॉइंट किए थे इनको वाइस रॉय ऑफ रिवर्स चार्टर्स भी बोला जाता है इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन इन एटीन इन्होंने क्या किया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो बनाया था टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू किया एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम्स हंटर नेक्स्ट है लॉर्ड इनके टाइम पे इन्होंने दो एक्ट पास किए थे बेंगाल टेनेसी एक्ट और बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट और उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इस्टेब्लिश किया था अगला है लॉर्ड लेंसटाउन अब आप देखोगे कोलकाता में आज भी इनके नाम पे एक जगह है नॉट ओनली इनके नाम पे बहुत सारी जगह जो है जो वॉइस रॉयस थे या गवर्नर जनरल हैं उनके नाम पे आपको दिखेगा फोर्ट विलियम अभी भी प्रेजेंट है मिंटो पे भी बहुत सारे पार्क वगैरह हैं और जो इनके द्वारा फोर्ट और ये सब बनाए गए थे वो आज भी प्रेजेंट है सो so, जो लॉर्ड लेंसटाउन थे इन्होंने क्या करा था सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लाए थे और इन्होंने वीकली हॉलीडे ग्रांट्स करना स्टार्ट किया था इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था सिविल सर्विसेज को तीन पार्ट्स में ठीक है इन्होंने एक दुरंत कमीशन भी सेटअप किया था जो कि इंडिया और अफगानिस्तान जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है ना दुरंत लाइन उसको डिफ़ाइन करने के लिए ठीक है अगला है लॉर्ड एलिंग टू ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो असासीनेट कर दिए गए थे उसके बाद आते लॉर्ड कुरजिन इनको अपॉइंट किया गया था पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयूज उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टाब्लिश की इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी एक्ट भी पास करा उसके बाद आते लॉर्ड मिंटो इन्होंने इस्टबलिश किया था मुस्लिम लीग आगा खान के साथ मिलकर देन मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी इन्होंने ही पास किया था उसके बाद आते लॉर्ड हार्डिंग टू ये एनी बेसन के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल अनाउंस किया था इन्होंने ही कोलकाता से दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफ़र किया था देन इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी भी क्रिएट की थी और बंगाल के पार्टीशन को भी कैंसिल किया था इन्होंने हिंदू महाशाला भी फॉर्म की थी मदन मोहन मालविया के साथ मिलके और इन्हीं के टाइम पर गांधी जी आए थे ठीक है नाइनटीन में गांधी जी आए थे और ये नाइनटीन तक थे उसके बाद आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो 1916 से 1921 तक रहते हैं इनके टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ रूल लीग किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिल लखनऊ पैक्ट जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वहाँ पे भी ये थे देन जलियावाला बाग मैसकर जो हुआ था नाइनटीन में सो so, ये इनके टाइम के बीच में हुआ था देन इन्होंने एसपी सिन्हा को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था बिहार के और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर बने थे उसके बाद कौन आता है लॉर्ड रेडिंग इनके टाइम पर कुछ फेमस इंसिडेंट्स होते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट्स ठीक है और चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद आप देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विद्रॉल भी हो जाता है देन इनके टाइम पे विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी जो था वो स्टार्ट हुआ था 1922 में उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी जो एक इंसिडेंट था काफ़ी फेमस इंसिडेंट है वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1925 पे देन इस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था स्वराज पार्टी का बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ठीक है नाइनटीन में सो हम बेसिकली वॉइस रॉयस के टाइम पे देख रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या हो रहा था ठीक है ज़रूरी नहीं है हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इनसे रिलेटेड हो कि इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या किया था सारे वॉइस रॉयस तो अच्छे नहीं थे उन्होंने सबने अच्छे काम नहीं किए थे पर हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पर इंडिया में क्या क्या हो रहा था ओके okay. सो so, ये कुछ वॉइस रॉय हैं इंडिया के पिक्चर्स लगी आप देख सकते हो नेक्स्ट हम आते हैं लॉर्ड आयरविन लॉर्ड आयरविन के टाइम पे साइमन कमीशन इंडिया में आया था और जिसमें इंडिया ने बहुत ही तो मतलब इनका विरोध किया था बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन को इनके टाइम पे एक और होता है ब्लास्ट होता है असेंबली हॉल में जिसके लिए आप आगे पढ़ेंगे और वो इंसिडेंट आपने मूवीज में भी देखा होगा अगला है लॉर्ड बेलिंगडन इनके टाइम पे सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये जब थे इसी टाइम पे ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन हुई थी और इस टाइम पे आप देखेंगे 1932 में गांधी जी येडबारा प्रिजन में थे और उन्होंने फास्ट करना स्टार्ट किया था अगर आपने गांधी जी की मूवी देखी होगी एक काफ़ी अच्छी सी मूवी है उसमें पूरा गांधी जी के लाइफ के बारे में बताया है तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स आप वहाँ से पिक करोगे तो आपको लर्न करने में आसान रहता है या हिस्ट्री के तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगे आप वहाँ से भी देख सकते हो तो ब्रिटिश ने गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट साइन किया था और वो ब्रिटिशर्स ने बाद में तोड़ दिया था तो गांधी जी जो थे वो यडबारा प्रेजेंट में फास्ट कर रहे थे और उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट डेथ पे आ गए थे ठीक है इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिंगलेट को जो ए डी से लेके नाइनटीन तक रहते हैं इनके टाइम पे हम देखते हैं इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए थे सुभाष चंद्र बोस जो थे उसको उनको डिटेन कर रखा था तो वो एस्केप करते हैं नाइनटीन फोर्टी वन में और फिर वो बाहर जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन करते हैं इसी टाइम पर हम देखते हैं कि इंडिया को क्रिप्स मिशन और क्रिप्स प्लान ऑफर किया जाता है जिसमें इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से देन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस की तरफ से और एक बहुत ही ज़्यादा आउटब्रेक होता है इसी टाइम पे नेशनल लीडर्स जो होते हैं उन लोगों को ये अरेस्ट भी कर लेते हैं इसके बाद है लॉर्ड बेवल जो 1944 से 47 तक रहते हैं इस टाइम पे आप देखेंगे तो शिमला कॉन्फ्रेंस होता है देन सी राजा गोपालाचार्य जो होते हैं वो अपना एक फॉर्मूला देते हैं गांधी और जिन्ना का कुछ टॉक होता है जो आपसी सहमत उनकी नहीं हो पाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान किया जाता है और यहाँ पर ही अनाउंस किया जाता है कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में अब वो ख़त्म होगा लॉर्ड माउंट बैटन जो मार्च 1947 से अगस्त 47 तक रहे हैं सो लास्ट गवर्नर जनरल थे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल और हाउस ऑफ कॉमन्स सो इसी टाइम पे ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को उसके बाद सी राजा गोपालाचारी जो लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं फ्री इंडिया के और ये 1950 तक रहे थे सो so, यहाँ ख़त्म होता है हमारा वॉइस रॉय का नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे अलग अलग जगह पे सबसे पहले देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बंगाल बिहार उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास बाय लॉर्ड कार्नावलीस तो लॉर्ड कार्नावलीस की तरफ से ये इंट्रोड्यूस कराया गया था बिहार बंगाल उड़ीसा जैसी जगह पर ठीक है एंड सर जॉन शोर जो थे उन्होंने ये सेटलमेंट को प्लान किया था इसमें क्या बोला जाता था इट डिक्लेयर जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड हैंस दे कुड कीप वन एलेवेंथ ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर देम सेल्फ वाइल द ब्रिटिश गेट द फिक्स शेयर ऑफ टेंथ एलेवेंथ ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड सो इसमें ज़मींदार को बोल दिया था कि वो एक लैंड ओनर्स रहेंगे और जो भी रेवेन्यू आएगा उस लैंड से उसका वन बाय एलेवेंथ पोर्शन वो खुद रख लेंगे और बाकी ब्रिटिश जो है उनको अपना फिक्स शेयर मिलेगा लैंड रेवेन्यू का एंड जो ब्रिटिश है उनको अपना फिक्स्ड शेयर मिलेगा लैंड ला, रेवेन्यू का जो कि क्या था टेंथ पोर्शन ऑफ एलेवेंथ इसमें ज़मींदार को बोला गया कि यू आर फ्री टू फिक्स द रेट एंड उनको एश्योर किया गया कि ओनरशिप आपकी रहेगी ये सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे यह इंश्योर हो रहा था कि रेवेन्यू रिसर्ट जो थी वो ब्रिटिश कलोनियल के पास रह रही थी और ज़मींदार को प्रॉपर आइटर बना दिया गया था लैंड का इससे क्या हुआ जो पेजेंट थे वो एक टेनेंट फार्मर के रूप में टर्न हो गए टेनेंट फार्मर जो ऐसे फार्मर होते हैं जो लैंड के लिए रेंट पे करते हैं ठीक है और उनको लैंड के टाइटल्स नहीं मिलते थे उनके जो बाकी राइट्स एंड प्रिविलेज थे जो वो मुगल पीरियड में इंजॉय कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहा था उनको जमींदार रेंट कलेक्ट करते थे अपने लैंड का और जो पेजेंट्स थे एंड उनको अपने शेयर से डिप्राइव किया जा रहा था और इसी रीजन के वजह से बंगाल में जो द ग्रेट फेमाइन आया था वो इसी रीजन के वजह से आया था ठीक है ग्रेट बंगाल फेमाइन इन नाइनटीन फोर्टी थ्री ये अलग से आप लिख सकते हो ओके okay, नेक्स्ट है रोवट वारी सेटलमेंट ये भी एक टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इट वॉज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे मद्रास एंड ओसम और ये मुनरो एंड चार्ल्स रीड ने रिकमेंड किया था इन दिस सिस्टम the डायरेक्ट settlement was मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रॉयट्स जैसे हमने पिछले केस में देखा वहाँ पे जमींदार बीच में आ रहा था गवर्नमेंट और जो जमीन पे काम कर रहे हैं उनके बीच में यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे एंड चार्ल्स रीड ने बोला कि गवर्नमेंट एंड जो रॉयट्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट होगा किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट नहीं करेंगे कि तुम जा टैक्स लेकर आओ देन हमें दो अपना हिस्सा रखें यहाँ पे जो इनकी रेवेन्यू थी वो बेस्ड थी कि तुम्हारे सॉइल का टाइप कैसा है और तुम्हारे क्रॉप का नेचर कैसा है और जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स इसके बाद हम देखते हैं महलवाड़ी सिस्टम आता है ठीक है ये कहाँ पे कहाँ पे लगा था गंगा वैली का जो रीजन था उधर देन एनडब्ल्यू एफ पी क्या होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान देन सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब इस पार्ट में ये वाली सिस्टम्स को लगाया जा रहा था रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज टू बी मेड बाय विलेज और इस्टेट्स विद लैंड लॉड यहाँ पर जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो विलेज से ही होती थी डायरेक्ट या जो लैंड लॉड है स्टेट्स के उनके साइड से ठीक है इस सेटलमेंट में हमें ये देखने मिलता है कि जो विलेज थे वो अपना एक कॉमन ओनरशिप बना पा रहे थे और यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो पीरियडिकली रिवाइज हो रहा था ऐसा नहीं कि थर्टी ईयर तक कुछ फिक्स कर दिया ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था लास्ट हम देखेंगे तौलक सिस्टम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओदर में हम ये तौलक सिस्टम देखते हैं द गवर्नमेंट एंटर्ड इंटू एन एग्रीमेंट विद अ तलक फॉर द पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स तो तलकदार जो हैं उनके साथ गवर्नमेंट एक थर्टी ईयर का एग्रीमेंट करती है पीछे जो हमने रॉयड देखा यहाँ पे हमने तौलक देखा ये सो so, यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है जो तौलकदार होते हैं वो कलेक्ट करते हैं अलग अलग बिलच से जाके जो भी चार्जेस होते हैं ठीक है रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने चार्जेस कट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है जैसे बंगाल के ज़मींदार थे वैसे यहाँ पे जो ऑर्डर के तौलकदार थे इनके पास कोई भी राइट नहीं था लैंड के ऊपर ठीक है ये सिर्फ एज ए रेवेन्यू कलेक्टर काम करते थे और अपना जो चार्जेस है मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करे हर जगह जाके तो उसके कुछ चार्जेस कट करके बाकी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते थे ओके सो so, ये अभी हमने देखे चार टाइप के लैंड रिवेन्यू सिस्टम नेक्स्ट आता है रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इसमें क्या हुआ था द माइटी अपसर्च ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन स्वेपर मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया लाई कैन एवेलॉन्च द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया वॉज राटल टू इट्स फाउंडेशन मतलब ब्रिटिश इंडिया जो एम्पायर थी उनकी पूरी तरीके से हिला दी गई थी इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूरोपियन कॉलोनियल रूल तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हम मोमेंट देखते हैं जो उनके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रेस किया गया था तो क्या क्या रीजन थे या क्या कर्ज था इस रिवॉल्ट का हम वो भी जानेंगे कर्ज ऑफ द रिवॉल्ट सबसे पहला पॉलिटिकल रीजन नाना साहेब वॉज रिफ्यूज पेंशन एज ही वॉज अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी राव टू कुछ पॉलिटिकल रीजन थे ठीक है नाना साहब को पेंशन जो था वो रिफ्यूज़ कर दिया गया था क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे ये बोल के अवध जो अब लखनऊ है इसको एनेक्स कर लिया गया था 1856 में ऑन द चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है बोला कि माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है एंड उसको कैप्चर कर लिया गया था देन झांसी को जो था उसको भी कैप्चर कर लिया गया था बाय डॉक्टर ऑफ लैब्स रूल के हेल्प के साथ सो so, ये थे कुछ पॉलिटिकल रीज़न अब मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोल्जर्स वर पेड लो सैलरीज दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सुबेदार एंड वर रेडिकली इंसल्टेड तो इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको काफ़ी लो सैलरी दी जा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स जो थे वो इंडियन थे ठीक है उनकी रैंक नहीं बढ़ाई जा रही थी सुबेदार से ज़्यादा उनको रैंक नहीं दे रहे थे और काफ़ी इंसल्ट की जाती थी तो so, मिलिट्री की तरफ से भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था देन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोशल रिफॉर्म्स बाई ब्रिटिश वॉर्ज अगेंस्ट द पीपल्स विल जो लोग चाहते थे उनके अगेंस्ट चीज़ें की जा रही थी जैसे कि विडो मैरिज अबॉलिश ऑफ सती स्कूल फॉर गर्ल्स ये सब पहले के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था उन्हें लग रहा था कि ये उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है ठीक है क्रिश्चन मिशनरीज ये सब चीज़ें हो रही थी एंडर रीजन वॉज सोल्जर्स वर आज टू यूज द एनफील्ड राइफल्स विद ग्रीस बाय पॉर्क और बीफ कार्ट्रिज सोल्जर से बोला जा रहा था जो इनकी इन एनफील्ड राइफल्स होती थी उसमें पॉर्क या बीफ मतलब गाय या सूअर का मांस होता था उस, उससे वो ग्रीस्ड किया होता था वैसी राइफल को यूज करने के लिए बोला जा रहा था सो so ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी देन इकनॉमिक रेवेंस हैवी टैक्सेशन डिस्क्रिमिनेशन ट्रैफिक पॉलिसीज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दैट हेट प्रजेंट आर्टिशन एंड स्मॉल जमींदार्स अभी हमने पीछे देखा कि ज़मीन पर किस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे थे ठीक है अलग अलग सी पॉलिसीज़ बना रहे थे वो ट्रेडिशनल जो उनके हैंडीक्राफ्ट थे उन सबको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो पेजेंट आर्टिशन्स एंड जमींदार सबको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी सो so, ऐसा नहीं था कि सिर्फ किंग्स को गुस्सा आ रहा था या किंग्स के साथ ये लोग गलत व्यवहार कर रहे थे कॉमन पीपल जो थे पेजेंट्स से हर किसी के साथ हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा था इसलिए इस टाइम हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे एक रिवॉल्ट होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट बंगाल रेजिमेंट इन विच नाइनटीन नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बहरामपुर रिफ्यूज टू यूज़ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड फील्ड राइफल बंगाल रेजिमेंट में नाइन्टीन नेटिव इन्फेंट्रीज जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये गन जो है यूज़ नहीं करेंगे जो राइफल है वो यूज़ नहीं करेंगे ठीक है मंगल पांडे जो थे ऑफ थर्टी फोर नेटिव इन्फेंट्री फायर्ड एट द सर्जन मेजर ऑफ हिज रेजिमेंट अपने रेजिमेंट में एक सर्जेंट मेजर थे उनके ऊपर इन्होंने गोली चला दी नोन एज द पार्ट ऑफ म्यूटनी ऑफ बैरकपुर यहीं पे आप देखते हैं म्यूटनी ऑफ बैरकपुर ठीक है Barakpur, रेबेलियस मूवमेंट देखते हैं हम बाय इंडियन सोल्जर्स वेयर द रूलर वर लॉयल टू द ब्रिटिश द सोल्जर्स रिवॉल्ट एज इन ग्वालियर एंड इंदौर वहाँ के रूलर्स जो थे वो लॉयल रह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लेकिन सोल्जर्स जो थे वो रिवॉल्ट करने लगे इन द सेम प्लेस पीपल रिवॉल्ट बिफोर द सिपाही जो कॉमन लोग थे वो सिपोहीज के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रेबल्स थे वो सक्सेसफुल रहे यूरोपियन वर कल्ड पुलिस स्टेशन एंड लॉ कोर्ट वर अटैक्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बट द रिवॉल्ट वॉज सून सप्रेस्ड बट कुछ ही टाइम पे हम देखते हैं कि रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया ठीक है वो लोग क्या करते हैं यूरोपियंस को मारते हैं पुलिस स्टेशन और लॉ जो कोर्ट्स थे उन पर अटैक करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये सब हम चीज़ें देखते हैं बिगनिंग में स्टार्टिंग में ठीक है अब देखते हैं इस रिवॉल्ट को सप्रेस कैसे किया गया डेली वो कैप्चर्ड ऑन ट्वेंटी सेप्टेम्बर नाइनटीन बाय जॉन निकोलसन एंड बहादुर शाह टू वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बहादुर शाह टू को डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून में और डेली को कैप्चर कर लिया था ठीक है बहादुर शाह जो था वो डेथ हो गई उसकी 1856 में उसके जो सन थे बेटे थे उनको भी इन लोगों ने डेली में मार दिया देन झांसी को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं ह्यू ग्रोस जो था वो झांसी को कैप्चर कर लेता है रानी लक्ष्मी बाई जो थी वो बैटल फील्ड में ही उनकी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते वो मर जाती हैं रानी लक्ष्मी बाई के बारे में कुछ जान लेते हैं रानी लक्ष्मी बाई नेम मनू वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव इन 1842 The couple adopted a child in 1856. But Lord Dalhousie wished to annex Jhansi under the doctrine of lapse. तो ये हमने अभी देखा जहाँसी पे वो लोग कब्जा कर लेते हैं। By using doctrine of lapse because इनका जो बेटा था वो adopted था। Rani did not surrender and died fighting at Kalpi near Jhansi during the revolt of 1857. तो इसी revolt में revolt of 1857 में उनकी death हो जाती है, ठीक है? As you can see in this picture. उसके बाद हम देखते हैं कानपुर को भी री कैप्चर कर लिया गया बाय कॉलिन कैंपबेल लखनऊ को भी री कैप्चर कर लिया गया बाय कॉलिन कैंपबेल है एंड आउट रैम सो so, ऐसे रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया धीरे धीरे पहले दिल्ली को कैप्चर किया फिर वहाँ के किंग को रंगून भेज दिया उनके बेटों को मार डाला झांसी को कैप्चर कर लिया कानपुर को कैप्चर कर लिया लखनऊ को कैप्चर कर लिया नेक्स्ट इज नाना साहेब एंड हजरत महल बोथ एस्केप टू नेपाल नाना साहेब और हजरत महल नेपाल चले गए विलियम टेलर एंड एड्रिक रिवॉल्ट एट आरा देन हम देखते हैं तात्या टोपे जो था वॉज बिट्रीड बाय अ फ्रेंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑन फिफ्टींथ अप्रैल एटीन फिफ्टी नाइन इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स सो so, इतने जोश से मतलब इतने फुल फ्लैच्ड एक रिवॉल्ट को कैसे सप्रेस किया इन्होंने वो हमने देखा पर इस सप्रेशन के पीछे कुछ फेलियर रीजंस थे अब हम वो देखेंगे कर्ज बिहाइंड द फेलियर ऑफ़ द रिवॉल्ट किस रिवॉल्ट का फेलियर क्यों हुआ सबसे पहला जो रीज़न है लैक ऑफ यूनिटी एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवॉल्ट एंड लैक ऑफ कॉमन मोटिव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्ट सबका मोटिव यही नहीं था कि उनको आज़ादी चाहिए थी ठीक है किसी का था कि मुझे अपना लैंड वापस लेना है जैसे मेरे कानपुर पे अगर कब्ज़ा कर लिया या लखनऊ पे कब्ज़ा किया झांसी पे कब्ज़ा किया तो मेरे को वो कैप्चर करना है दोबारा ठीक है किसी का मोटिव था कि ये जो टैक्स वगैरह है वो हटा दे तो सबके मोटि अलग अलग टाइप के लोग थे ना कोई राजा था कोई पेजेंट था कोई आर्टिशन था सबके अलग अलग मोटिव थे लोगों में यूनिटी नहीं थी और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर तरीके से की गई थी सो ये एक पहला फेलियर का रीज़न रहा है दूसरा है ऑल द क्लासेज ऑफ द सोसाइटी वर नॉट अफेक्टेड और पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्ट सो हमने देखा कौन कौन सी सोसाइटी अफेक्टेड थी ठीक है कुछ ऐसे भी थी जो अफेक्टेड नहीं थी तो वो लोग इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे द मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑफ रेबल्स वर इनफीरियर तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे रेबल के पास जो मतलब हमारे लिए तो फ्रीडम फाइटर हुए उस साइड से अगर देखिए ब्रिटिश के साइड से तो वो एक रेबल्स रहे उनके लिए तो उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो काफी इन्फीरियर थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यहाँ पे तलवार बान धनुष इन सब से लड़ा जाता था तो उनके पास प्रॉपर गन हुआ करती थी ठीक है फिर हम देखते कि कुछ रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश की हेल्प कर रहे थे और रिवॉल्ट को रिप्रेस करने में मदद कर रहे थे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कुछ सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग मूवमेंट्स होते हैं समाज का फॉर्मेशन होता है कुछ मूवमेंट्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहला है ब्रह्मोस समाज ठीक है ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 एट कलकत्ता कलकत्ता में समाज की फॉर्मेशन हुई थी बाय राजा राम मोहन रॉय रॉय बिलीव इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते थे साइंटिफिक अप्रोच पे बिलीव करते थे ही पुट हज फेथ इन मोनोथिज्म मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे इन्होंने एक बुक भी लिखी है गिफ्ट टू मोनोथिज्म और उस बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया बंगाली में वेद में और उपनिषद में ये प्रूव करने के लिए कि ये हिंदू एंशियन टेक्स्ट पे बिलीव करते हैं फिर हम देखते हैं कि 1814 में इन्होंने एक अमृत सभा सेटअप किया जिसमें कैंपेन्स करते थे अगेन आइडोलेटरी कास्ट रिजिडिटी मीनिंगस रिचुअल्स एंड अदर शोशल एवल मिरात उलबर इन्होंने फाउंड करा था और उसको एडिट किया था ठीक है 1825 में ये एक वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड करवाते थे इंडियन लर्निंग्स और वेस्टर्न सोशल कल्चर फिज़िकल साइंस हर चीज़ ऑफ़र की जाती थी उस कॉलेज में ही ऑल्सो अपोज जूरी एक्ट ऑफ एटीन ट्वेंटी सेवन जूरी एक्ट जो एटीन ट्वेंटी सेवन का था उसको इन्होंने अपोज किया था अगला हम देखते हैं प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रंदे अलोंग विद डॉक्टर आत्मा राम रीऑर्गेनाइज प्ररान हंसा सभा अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र सेन एंड फाउंडेड प्रार्थना समाज इट वॉज प्राइमरिली फॉर सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वर्क मूवमेंट पहले जब इसको स्टार्ट किया तो ये सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वर्क मूवमेंट के लिए इसको बनाया गया था इसके कोई एक फाउंडर नहीं है ये सब इसके फाउंडर हैं ठीक है थीके? इनके तरफ से एक न्यूज़पेपर भी आती थी जिसको सुबोध पत्रिका बोला जाता था और वो टीचिंग्स स्प्रेड करती थी सोसाइटी में नाइट स्कूल्स एंड रीडिंग रूम्स भी ओपन किए गए थे ऑर्फनेज बनाया गया था और लड़कियों के लिए भी स्कूल बनाया गया था इस समाज के द्वारा नेक्स्ट है आर्य समाज आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती और मूल शंकर जब भी आएगा दयानंद सरस्वती आता है ऑप्शंस में ठीक है आर्य समाज के फाउंडर कौन थे दयानंद सरस्वती द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज फॉर्मली सेट अप बाय हिम एट बॉम्बे इन नाइनटीन एंड लेटर द हेड क्वार्टर ऑफ द समाज वॉज एस्टेब्लिश एट लाहौर सबसे पहले इन्होंने सेटअप कहाँ किया था बॉम्बे में उसके बाद लाहौर में भी ये सेटअप किया गया था दयानंद व्यू वर पब्लिश इन द फेमस वर्क ऑफ सत्यारत पत्रिका इंग्लिश में मीनिंग क्या है द ट्रू एक्सपोजिशन इन्होंने एक स्लोगन दिया था और ये स्लोगन पूछा भी जाता है कि ये ये स्लोगन किसने किसने दिया दिया है so, दिया है गो बैक टू वेदास सो दयानंद सरस्वती ने ही वर्कशिप कास्टिज्म एंड अनबिलिटी एडवोकेट विडो रिमैरिज सो इन्होंने ने को आइडियल वर्कशिप को कास्टिज्म को और अनटचबिलिटी को डिसरिकार्ड किया कि मैं नहीं मानता हूं बोल के एंड एंडो रिमैरिज एक्ट के लिए एडवोकेट भी किया था इन लोगों ने बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इंडिया में बनाए थे स्पेशली नॉर्थ में डी के जो स्कूल्स और कॉलेज है वो अभी भी इंडिया में चलते हैं वो इन्हीं की तरफ से बनाए गए थे स्वामी दयानंद जो थे दयानंद सरस्वती ये पहले मैन जिन्होंने स्वराज टर्म का यूज़ किया था और हिंदी को इन्होंने एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकोगनाइज किया था हिंदू सोसाइटी में जितने भी सोशल इवेंट्स थे उसका ये अपोज करते थे जैसे कि सती प्रथा पॉलीगैमी चाइल्ड मैरिज कास्टिज्म और इसीलिए इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किया था अगला आते रामकृष्ण मिशन पे द फर्स्ट रामकृष्ण मठ वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय डिसिपल ऑफ रामाकृष्ण स्वामी विवेकानंद एट बारा नगर इन 1897. सो so, सबसे पहला जो रामकृष्ण मठ है वो किसने बनाया था डिसिपल ऑफ रामाकृष्ण वो कौन थे स्वामी विवेकानंद तो रामाकृष्ण के डिसिपल थे ये सो so, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था डिसिप्लिन मतलब क्या होता है एक तरीके से इनके ये स्टूडेंट थे ठीक है विवेकानंद वेंट टू अमेरिका इन 1893 1893 में ये अमेरिका गए एंड अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट शिकागो इनकी वहाँ पे एक बहुत फेमस स्पीच भी है आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे तो अमेरिका में जाके क्या किया इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अगला मूवमेंट है यंग बंगाल मूवमेंट ड्यूरिंग लेट एटीन ट्वेंटीज एंड अर्ली एटीन थर्टीज देअ एमर्ज रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग द यूथ इन बंगाल विच केम टू बी नोन एज यूथ बंगाल मूवमेंट इस टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि जो यूथ होते हैं बंगाल के उधर एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड एमर्ज कर रहा होता है सो so, इसलिए इस मूवमेंट का नाम यूथ बंगाल मूवमेंट रख दिया ये जो मूवमेंट था ये फाउंड किया गया था बाय बाय हेनरी विबियन जो एक टीचर थे हु टॉट इन हिंदू कॉलेज कोलकाता फ्रॉम 1826 टू 1831 इनको नेशनलिस्ट पोएट भी बोला जाता है मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट और ये अपने स्टूडेंट्स को अर्ज करते थे कि जियो और मरो सत्य के लिए ठीक है इन्होंने वुमेन राइट एंड वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी बहुत सपोर्ट दिया है अगला है सत्य शोधक समाज इसका मतलब क्या हुआ ट्रुथ ये फाउंडेड था दिस वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिबाई फूले इन एटीन सेवेंटी थ्री जो ज्योतिबा फूले थे वो बिलोंग करते थे एक माली कम्युनिटी से माली क्या होता है गार्डनर एंड इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था एक पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनियन एंड ब्रामिनिकल सुप्रेमेसी नेक्स्ट है वेदा समाज दिस वॉज फाउंडड बाय श्री दयालू नायडू इन मद्रास दिस वॉज़ फाउंडड बाय श्री धरालू नायडू और ये मद्रास के थे इन एटीन सिक्सटी फोर ही ट्रांसलेटेड द बुक ऑफ ब्रह्मो धर्मा इन तमिल एंड तेलगू ब्रह्मो धर्मा की जो बुक थी उसको इन्होंने तमिल एंड तेलुगू में ट्रांसलेट किया था अगला है देव समाज ये फाउंड किया गया था एटीन एटी सेवन में लाहौर में बाय श्री शिव नारायण ये जो देव समाज था ये रिजेक्ट करता था हिंदुज़म को जो उनके कंटेम्प्रेरी टाइम पे चल रहा था ऐसे बहुत सारे समाज सभा मूवमेंट्स जो थे मिशन से वो चल रहे थे ठीक है सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी जो हमने पढ़ा उसमें से भी जो आर्य समाज और ब्रह्मो समाज था वो इम्पॉर्टेंट था और अभी जो हम ये पढ़ेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट है बाकी बीच बीच में और भी आपको ऐसे मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे अलीगढ़ मूवमेंट फिर राधा स्वामी मूवमेंट धर्म सभा

थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर रही हैं एनी बेसेंट और इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट ने इंडिया में काफ़ी काम किए है इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बनती है एनी बेसेंट जब ऑल्ट की डेथ हो जाती है उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड क्वार्टर जो है वो तमिलनाडु में शिफ्ट कर देती है एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था बनारस में जो आज हम जिसको बीएचयू के नाम से जानते हैं सो so, ये हो गया सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स अब नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल मूवमेंट्स पे सबसे पहले हम देखेंगे इंडिगो रिवॉल्ट द लार्जली यूरोपियन प्लांटर्स यूज टोटल आर्बिटरी एंड रूथलेस मेथड्स टू फोर्स पीजेंट्स टू ग्रो द अनरिमेटिव इंडिगो क्रॉप ऑन द पार्ट ऑफ देयर लैंड इन ईस्ट इंडिया तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो वो इंडियन पिजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो अपने लैंड पे इंडिगो प्लांट करें इंडिगो जिसको हिंदी में नील बोला जाता है नील की खेती करने से जो फार्मर्स थे या जो पेजेंट्स थे उनकी लैंड खराब हो जाती थी ठीक है प्लस सारा का सारा इंडिगो जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोपियन क्योंकि वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी सो so, हम देखते हैं एटीन में जो फार्मर्स होते हैं जो पेजेंट्स होते हैं वो बहुत ही अपोज करते हैं इसका और वो नॉन कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो मूवमेंट लॉन्च करते हैं स्टार्ट होता है ये बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट से फिर हम देखते हैं ये बहुत जगह स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होता है इसमें कुछ राइटर्स थे हिंदू पैट्रियट्स थे जिन्होंने पोएम्स भी लिखी थी फिर हम देखते हैं नील दर्पण नाम की एक प्ले भी आई थी जो दीन बंधु मित्रा ने लिखी थी देन माइकल मधुसूदन दत्ता जो है एक बंगाली पोएट उन्होंने इसको नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था ठीक है तो पिजेंट्स ने एक मोमेंट चालू किया था गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन इंडिगो कमीशन इन 1860 सिक्सटी इंडिगो राइट इन एटीन सिक्सटी सेवन एंड इन चंपारण बिहार सो ये दो पॉइंट है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक इंडिगो कमीशन और हम देखते हैं चंपारण बिहार में इंडिगो की वजह से रॉयट भी होते हैं ओके नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम्स ने इसकी फाउंडेशन की थी इन वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर थे ऑफ इंडियन सिविल सर्विस फिर हम देखते हैं जो दादा भाई नारो है वो इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस आई कर देते हैं ठीक है थीके? वो वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है ये एक लीडिंग लॉयर थे कोलकाता के उनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेजिडेंट्स इट्स सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर डब्ल्यू सी बैनर्जी इन एटीन सो कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे सेशन होते हैं आगे के हम सेशंस में देखते हैं 1890 में एक सेशन हुआ था जिसमें कादम्बरी गांगुली जो पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कोलकाता यूनिवर्सिटी से वो कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती हैं बाद में हम देखते हैं जो कांग्रेस है वो डिवाइड हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में और कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय जिनका एक शॉर्ट फॉर्म भी है निकनेम इसमें भी आप पढ़ेंगे ये लाल बाल पाल के नाम से ये जाने जाते थे नेक्स्ट वी विल सी पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन ट्वेंटी जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर टू डिवाइड द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड कर देंगे इसका एक ऑर्डर इशू किया था लॉर्ड कर्जन ने टू सेटअप अ कम्यूनल गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ये क्यों किया गया था कि कम्यूनल गल्फ क्रिएट हो हिंदू और मुस्लिम के बीच में अब जैसे ये पार्टीशन का ऑर्डर आया कुछ एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गए जिसके प्रोमिनेंट लीडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड कृष्ण कुमार मिश्रा रबिन्द्र नाथ टैगोर ने जो नेशनल सॉन्ग एक कंपोज किया था आमार शोनार बांगला उसको क्राउड्स जो थे वो स्ट्रीट्स पे गाया करते थे बाद में जब पार्टीशन हुआ बंगाल का तो बांग्लादेश ने इसको एज अ अपना नेशनल सॉन्ग भी बना दिया इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी मोमेंट आया द लीडर्स ऑफ बंगाल फेल्ट दैट मेरी डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिक मीटिंग एंड रेजोल्यूशन वर नॉट इनफ एंड सम मोर कंक्रीट वॉज नीडेड एंड द आंसर फेल्ट वॉज स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो लीडर्स थे बंगाल के उनको लगा कि जस्ट हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने चीज़ों को पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है हमें कुछ कॉन्क्रीट करना होगा ठीक है तो उन्होंने क्या किया स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और बॉयकॉट करने लगे जिसमें लोग क्या करते थे फॉरेनर क्लोथ्स को एंड गुड्स को बर्न किया करते थे स्वदेशी जैसा आपको नाम सुन के ही समझ आ रहा होगा इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम जो अपना सेल्फ रिलायंस है वो बढ़ाएं ठीक है जो लीडर्स थे बंगाल के उन्होंने अपने नेशनल एजुकेशन पे इस टाइम पे काम किया नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन किए और लिटरेसी टेक्निकल और और फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन जीरो नेशनल एंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप एंड अरबिंदो घोश् वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नैशनल कॉलेज एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल सेटअप की गई और अरबिंदो घोष जो थे उनको नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया फर्स्ट प्रिंसिपल जो बॉयकॉट हो रहा था ब्रिटिश गुड्स का सामान का उसको कोलकाता सेशन जो कांग्रेस का था उन्होंने भी अडॉप्ट किया जो लाला लाजपत राय थे बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष इन लोगों ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है स्वदेशी मूमेंट में नेक्स्ट आते हैं हम मुस्लिम लीग पे In 1906, the All India Muslim League was founded under the leadership of Aga Khan, Nawab Salim Ul Ullak of Dekka, and Nawab Mushin Ul Mulk. So, in Logone Milke Muslim League ki foundation keithi, the league supported separate electorate for the Muslim community and अपोज द नेशनलिस्ट मूव ऑफ कांग्रेस ये लीग क्या करती थी या इनके मांग क्या थी ये सपोर्ट करती थी कि एक अलग इलेक्टोरेट बने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और कांग्रेस की तरफ से जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे ये उनको अपोज करती थी इन रिटर्न द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट दे वुड प्रोटेक्ट स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम सो ब्रिटिश ने देखा कि ये आपस में खुद ही झगड़ रहे तो उसकी वजह से ब्रिटिश ने बोला कि वो एक स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम के तहत मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेट किया था नेक्स्ट हम आते हैं सूरत स्प्लिट पे या सूरत सेशन ऑफ आईएनसी पे ठीक है द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन टू ग्रुप्स जैसे मैंने पीछे बताया था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो जाता है और ये कब होता है सूरत सेशन जब होता है आई का तब इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है एक्सट्रीमिस्ट व लेड बाय लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड मॉडरेट्स बाय गोपाल कृष्ण गोखले आई की दो डिवीजन हो गई एंड मॉडरेट्स के जो हेड थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे एंड जो एक्सट्रीमिस्ट के हेड थे वो थे लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे करते थे इसलिए इनका नाम एक्सट्रीमिस्ट रखा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मैसिक अटैक इन लोगों पे किया एक्सट्रीमिस्ट पे बिटवीन 1907 एंड 1911 एंड उनके न्यूज़पेपर्स को सप्रेस किया उनके लीडर्स को सप्रेस करने की कोशिश की नेक्स्ट आते हैं द गदर पार्टी मोमेंट इन नाइनटीन थर्टीन जो गदर पार्टी है ये तारकनाथ दास सोहन सिंह एंड लाला हरिदयाल ने फाउंड की थी सो so ये तीनों गदर पार्टी के फाउंडर थे इन नवंबर 1930 द हिंद एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिका वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह इट डिसाइड्स टू पब्लिश वीकली पेपर गदर और हिंदुस्तान गदर इन commemoration with the revolt of 1857. 1857 के रिवॉल्ट के याद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक वीकली पेपर गदर नाम से या हिंदुस्तान गदर नाम से पब्लिश करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था नेक्स्ट आते हैं हम वर्ल्ड वॉर वन में जो 1914 टू 1919 आया ठीक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर हमसे कनेक्ट करता है इसलिए मैंने लिया है इन वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटेन अलाइड विद फ्रांस रशिया यूएसए इटली एंड जापान अगेंस्ट जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की इंडिया एंड ब्रिटिश एम्पायर वो ऑटोमेटिकली एट वॉर विद टेन लाख ट्रूप्स टू फाइट फॉर द यूनियन सो एज़ ब्रिटेन या ब्रिटिश हम पे रूल करती थी तो इंडिया और ब्रिटिश एम्पायर जो था वो ऑटोमेटिकली जिनके साथ ब्रिटेन गया हमें भी उनके साथ वॉर करनी पड़ी तो ऑलमोस्ट टेन लाख ट्रूप्स के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे थे सो so, ये वर्ल्ड वॉर वन की इमेज है यू कैन सी दैट नेक्स्ट है गांधी इज़ रिटर्न टू इंडिया गांधी रिटर्न इन इंडिया इन जनवरी 1915। ही स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड एंड खेड़ा सत्याग्रह फॉलोड इन नाइनटीन एटीन सो गांधी जी नाइनटीन में आते हैं उसके बाद वो चंपारण में जाते हैं और इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम को देखते हैं देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद होता होता है। है। जो जो में में इसके बारे में हमने पीछे भी थोड़ा सा देखा था। तो Home Rule League जो था, ये inspired था तो ये एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग सेटअप करा था बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्वराज का जो डिमांड था वो इसके साथ लिंकअप कर दिया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इन्होंने एक पॉपुलर स्लोगन दिया था जो कभी कभी एग्जाम में आता है कौन सा स्लोगन था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट ओके सो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस स्लोगन किसने दिया था नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट सो लखनऊ सेशन जो आईएनसी का था 1916 में ये बहुत ही मेमोरेबल इवेंट था क्यों दो वजह से कौन से दो वजह थे वो पहला जो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को अपने पार्टी में से निकाल दिया था उनको दोबारा इन लोगों ने अपनी पार्टी में ऐड करा आफ्टर नाइन ईयर्स एंड द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द बॉन्ड द अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बिटवीन एक अलायंस फॉर्म हुई थी ये दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे लखनऊ पैक्ट में नेक्स्ट इज रोलैक्ट एक्ट जो 1919 में हुआ था द गवर्नमेंट पास द रोलेट एक्ट इन मार्च नाइनटीन विच एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल सो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के वो डिटेन या डिटेंशन में डाल सकते थे ये पावर आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास द एक्ट वॉज सीरियस बिटरे ऑफ प्रामिस मेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन पीरियड तो वर्ल्ड वार पीरियड के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रामिसज किए थे एंड ये जो एक्ट था वो एक सीरियस बिट्रेल था उसके अगेंस्ट इसी टाइम पे देखते हैं हम गांधी जी जो थे उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया था नाइनटीन में बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सेंसरशिप इम्पोज कर रही थी प्रेस पे भी एंड देर वॉज अ पॉलिसी ऑफ परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल ये इसके अगेंस्ट था नेक्स्ट हम देखते हैं जलियावाला बाग ट्रेजिडी या जलियावाला बाग मैसेकर के नाम से भी ये जाना जाता है ये भी 1919 में हुआ था ऑन अप्रैल थर्टीन 1919 नाइनटीन बैसाखी डे हंड्रेड्स ऑफ पीपल व मैसकर एंड सेवरल थाउजेंड वाउंडेड इन जलियाँ वाला बाग वेर दे हैड असेंबली टू हेल्ड अ प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जलियावाला बाग ट्रेजिडी के ऊबर एक बहुत अच्छी मूवी भी है आप उसको चेक कर सकते हो नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएगी आप वो भी देख सकते हो ठीक है हिस्ट्री को अगर आप और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्री इज़ वेरी गुड वे तो थर्टीन अप्रैल को बैसाखी के दिन हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और बहुत लोगों की हत्या कर दी गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे एक असेंबली के लिए जहाँ पे वो एक मीटिंग कर रहे थे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट सो या आप फोटो देख सकते हो तो जनरल डायर जो था उसने एक अपना ट्रूप लैड किया और उन्होंने ओपन फायर किया ऑन अन आर्म्ड मैंस वुमेंस यंग ओल्ड हिंदू मुस्लिम यहाँ पे जो भी लोग थे सबके ऊपर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और ये जो चलिया वाला बैग मैसेकर है ये वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर माना जाता है ड्यूरिंग एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल बाद में हम देखते हैं हंटर कमीशन भी आता है अपॉइंट किया जाता है इंक्वायर करने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ ठीक है देन सरदार उधम सिंह जो थे उन्होंने जनरल डायर को किल किया था लंडन में जाके इन 1940 नेक्स्ट नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट 1920 टू 2022 इंडियन मुस्लिम वर् एक्सट्रीमली एजिटेटेड ओवर द पैन इस्लामिक खिलाफत इशू और ये जो खिलाफत इशू था ये ऑरिजिनेट हुआ था जब टर्की एंटर किया था वर्ल्ड वॉर वन में एज अ एले ऑफ जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटिश फिर इंडिया में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी की गई थी गांधी जी जो थे वो हेड थे खिलाफत कमेटी के अली ब्रदर जो थे उन्होंने ये खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था इसी टाइम लाइन पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था और 1922 में चोरी चौरी चौरा इंसिडेंट्स भी होता है जिसमें गांधी जी को छह साल के लिए जेल भेज दिया जाता है सो so, होता क्या है चौरी चौरा इंसिडेंट्स में चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास यहाँ पे पुलिस स्टेशन इंक्लूडिंग 22 टू पुलिस मैन ऑन फेबर नाइनटीन So, इस इंसिडेंस के बाद ही गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विदड्रॉ कर लेंगे इस डिसीजन से बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर जो होते हैं वो एग्री नहीं करते हैं नेक्स्ट है साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है एक इंडियन स्टैचुचरी कमीशन जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है जॉन साइमन जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन होते हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया जाता है एंड दिस कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू द सिचुएशन इन इंडिया विद व्यू टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे एक्सटेंड की जाए ये सब चीज़ों के लिए ये कमीशन बनाई जाती है देन मद्रास सेशन होता है कांग्रेस का और जिसमें कांग्रेस डिसाइड करती है कि हम इस मिशन का बॉयकॉट करेंगे सो so, इसी लिए यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे भी दिए गए थे तो जब ये लोग स्ट्राइक और ये सब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो पुलिस इन पर बहुत ही हावी हो जाती है और यहाँ पे लाठी चार्ज स्टार्ट कर देती है इसी में जो लाला लाजपत राय होते हैं उनको पुलिस मारती है और वो इंजर्ड होते हैं और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है द नेक्स्ट आता है बारदोली मूवमेंट इन 1928 ट्वेंटी एट बारदोली मूवमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स लेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन द विलेज कॉल्ड बारदोली गुजरात तो बारदोली एक विलेज है गुजरात में वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसलिए इसका नाम रखा है बारदोली मूवमेंट और ये लेट किया गया था बाय वल्लभ भाई पटेल बाद में इनको सरदार का टाइटल मिला तो ये कौन बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इसमें क्या होता है डिसाइडेड टू कमिट अ इन अ रनिंग ट्रेन ऑन नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन एट काकोरी ऑन लखनऊ सहारनपुर सेक्शन ऑफ द नॉर्थन रेलवे यहाँ पे कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक डेक्वाइट कमिट करेंगे रनिंग ट्रेन के ऊपर जो ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाती है इस केस में ट्वेंटी नाइन लोगों को अरेस्ट करा जाता है और चार रेवोल्यूशनरीज़ जो होते हैं उनको सेंटेंस ऑफ डेथ भी दिया जाता है वो कौन से रेवोल्यूशनरी है राम प्रसाद बिस्मिल अरशफुल्ला खान रोशन लाल और राजेंद्र लहरी अगला है बॉम्ब एट लेजिस्लेटिव असेंबली सो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो होते हैं वो दो क्रूड बॉम्ब्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे थ्रो करते हैं व्हेन असेंबली वाज डिस्कसिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे डिस्कशन हो रही थी असेंबली में और वहाँ पे ये दो क्रूड बॉम्ब थ्रो करते हैं भगत सिंह और दत्त को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको भी फांसी की सजा दी जाती है सो इसमें भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जो थे देवर हैंग्ड टू डेथ एट लाहौर जेल नेक्स्ट आता है सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट द सिविल डिसबिडेंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी ऑन ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन थर्टी फेमस डांडी मार्च डांडी मार्च के साथ ये स्टार्ट होता है इसमें दो मूवमेंट होते हैं पहले तो डांडी मार्च होता है उसके बाद गांधी आयविन पैक्ट होता है तो डांडी मार्च में क्या होता है सॉल्ट के लिए सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है ट्वेंटी फोर डेज तक मार्च करते हैं एंड उसके बाद ये सॉल्ट लॉ को ब्रोक करते हैं सत्याग्रह जो था वो अगेंस्ट था मोनोपली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सॉल्ट जो टाइम्स मैगजीन है वो इस पूरे प्रोसेस को कवर करते हैं और जैसे इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा तो तब से ये सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड दिस मूवमेंट इवन स्पार्क द पेट्रोजम अमंग इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी नेक्स्ट है गांधी आरविन पैक्ट इसमें क्या होता है इसमें गांधी जी को अपॉइंट किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डिमांड फॉर पाकिस्तान द टर्म पाकिस्तान वॉज गिवन बाई चौधरी रहमत अली मोहम्मद द अली जिन्ना गिव इट प्रैक्टलिटी सो इन्होंने ये टर्म दिया था और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसने इसको प्रैक्टिकलिटी दी साल जो था, उसने सजेस्ट किया 1930 में कि जो फ्रंटियर प्रोवेंस है बलूचिस्तान है और सिंध है ये सब पाकिस्तान में जाना चाहिए प्रपोजल जो था सेपरेट पाकिस्तान का ये पहली बार पास हुआ था लाहौर सेशन में इन 1940 फोर्टी बाई मुस्लिम लीग नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, फोर्टी टू क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज प्रपोजल एंड लीडरस रिवोल्ट

क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये एक बहुत ही पावरफुल मास्क कैंपेन था जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि वो सब चाहते थे ब्रिटिश रूल से हमें फ्रीडम मिल जाए गांधी जी के साथ साथ अलग अलग जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था ठीक है कांग्रेस पार्टी को इलीगल बोल दिया गया था बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद से वॉयलेंस होने लगा पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसज थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया टेलीग्राफ वायर थे उनको कट करने लगे कम्युनिकेशन को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया सो जब ये इतना सारा वॉयलेंस हो रहा था और लोग इस तरीके से कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये जो भी हो रहा है ये ब्रिटिश के वजह से हो रहा है उन्होंने इतने रिप्रेस करके रखा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ब्रिटिश की ही जाती है इस मूवमेंट को फाइनली क्रश कर दिया गया था ये काफ़ी शॉर्ट लिफ्ट मूवमेंट रहा था या बहुत ही थोड़े समय के लिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला पर इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी ठीक है इससे नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ही लोगों में दिखी कि हाँ लोग चाहते हैं सेक्रीफाइस करेंगे अपने फ्रीडम अचीव करने के लिए देन हमने देखा कि मुस्लिम लीग जो था ये क्विट इंडिया मूवमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे अच्युत पतवर्धन राम मनोहर लोहिया एंड प्रकाश नारायण एंड अरुणा आसिफ अली वर्धम मूवमेंट्स लीडर तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स के ये कुछ लीडर्स रहे हैं नेक्स्ट है हमारा द इंडियन नेशनल आर्मी या आई एन ए द इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाई सुभाष चंद्र बोस वॉज कोऑपरेशन विद जापानीज सो आई एन सी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की थी और ये जापानीज के कोऑपरेशन के साथ फॉर्म किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी फॉर्मेशन की थी इन जनवरी 1939 एंड देन ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड वेंट टू बर्लिन वाया मॉस्को द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज इन फुल स्विंग इन इंडिया सुभाष चंद्र बोस हु एस्केप्ड फ्रॉम हिज कन्फाइनमेंट इन कलकत्ता इन नाइनटीन फोर्टी वन फ्राम द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नाइनटीन फोर्टी थ्री इन सिंगापुर अलॉन्ग विद रास बिहारी बोस तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चल रहा था उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो थे अपने कन्फाइनमेंट में से एस्केप करके कहाँ जाते हैं सिंगापुर में और आई एन ए की फॉर्मेशन करते हैं रास बिहारी बोस के साथ मिलके आज़ाद हिंद फौज या आईएनए इनका एम क्या था इंडिया की लिबरेशन का एम था इनका आईएनए की तीन फाइटिंग ब्रिगेड्स थी ठीक है एक का नाम था गांधी एक का नाम था आजाद और एक का नाम था नेहरू इनकी एक वुमेन रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट फिर हम देखते सुभाष चंद्र बोस इनको अब नेताजी लोग बोलने लगे थे सोल्जर्स जो थे आई के और इन्होंने एक बैटल किराए दिया था जो है जय हिंद आज भी हम जय हिंद वर्ड का यूज़ करते हैं और ये बैटल क्राय था सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन भी दिया था चलो दिल्ली ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट सारे जो बीच बीच में स्लोगन आए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है देन हम देखते हैं रंगून और सिंगापुर जो था ये दो हेड क्वार्टर्स थे आई एन ए के देन लास्ट में देखते हैं आई एन ए के जो मेम्बर्स होते हैं उनको एज अ प्रेजनर लाया जाता है रेड फोर्ट में और यहाँ पे कुछ लॉयर्स के पैनल होते हैं जो उनको डिफेंड करते हैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू भी एक लॉयर होते हैं इसके बाद आता है माउंट बैटन प्लान द फ्रीडम विद द पार्टीशन फॉर्मूला वॉज कमिंग टू बी वाइडली एक्सेप्टेड वेल बिफोर माउंट बैटन कीम तो माउंट बैटन जो आया उससे पहले हमने देखा कि फ्रीडम विद पार्टीशन वाला फॉमूला काफ़ी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा था सो so, ये माउंट बैटन का जो प्लान था इसमें था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे कि पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन टू ग्रुप्स हिंदूज एंड मुस्लिम टू वोट फॉर पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम वोट करेंगे पार्टीशन के लिए इन केस ऑफ पार्टीशन टू डोमिनियन एंड टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी क्रिएटेड अगर पार्टीशन होता है तो दो डोमिनियन और दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिएट किया जाएगा सिंध जो है वो अपना डिसीजन खुद लेगा और जो फ्रीडम है वो कब मिलेगी फिफ्टीन अगस्त 1947 को सो so, ये इस प्लान का पार्ट था अ बाउंड्री कमीशन वुड बी सेटअप इफ़ पार्टीशन वॉज टू बी इफेक्टिव। एक बाउंड्री कमीशन भी बनाई जाएगी अगर पार्टीशन होता है तो जुलाई 1947 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड द माउंट पैटर्न प्लान वॉज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको साइन कर दिया और बोला ये इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 रहेगा और ये इम्प्लीमेंट होगा 15 अगस्त को सो so इसी एक्ट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट होता है 14 अगस्त को और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं फर्स्ट और मिड में फिफ्टीन अगस्त को इंडिया की इंडिपेंडेंस होती है नेहरू जो है अपना एक फेमस स्पीच देते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टनी स्पीच ये माउंट बैटन का प्लान था वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया था जब हमें फ्रीडम मिली तब हमारे 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स थे तब सरदार पटेल ने जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे जिसको अभी हम आयरन मैन बोलते हैं इन सबको जो नया इंडिया फॉर्म हुआ है उसमें ज्वाइन करने के लिए बोला नवंबर 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है लेजिस्लेचर की उसने जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया और जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनेंट बताया गया और इसी में हम देखते हैं कि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी अबॉलिश कर दिया है सो so, यूरोपियंस जब इंडिया में एंटर करते हैं ट्रेड के लिए वहाँ से लेके इंडिया की पूरी फ्रीडम मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पूरा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो आज हमने पूरा कवर किया है जितने भी नेशनल लीडर्स हमने पढ़े वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम एक बार अलग से भी करेंगे इन अ डिफरेंस सेशन सो आज के सेशन में इतना ही आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अब हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ और आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करो ओके सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको हिस्ट्री पूरी तरीके से क्लियर हो गई है आप टेस्ट सेक्शन में जाके हिस्ट्री के टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो आपको एक और क्लियर आइडिया मिल जाएगा थैंक यू अगेन